कोतवाली थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव गौर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान संजय चौरसिया पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश निवासी पुरदिलपुर निकट ओम कार्तिक थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर और वर्तमान पता ब्लॉक ए जेमिनी रेसिडेंसी मेडिकल रोड थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर। दूसरा अभियुक्त अजय ठाकुर पुत्र स्वर्गीय बालाजी ठाकुर निवासी ग्राम करजहां निकट शिव मंदिर थाना खेसराहा जनपद सिद्धार्थनगर और वर्तमान पता ब्लॉक ए जेमिनी रेसिडेंसी मेडिकल रोड थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उनके पास से 5 चेकबुक, 10 मोबाइल, 7 लैपटॉप, 11,03,000 रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसएसपी ने बताया कि आवेदिका द्वारा सूचना दी गई थी कि वो अभियुक्त संजय चौरसिया के घर पर काम करती थी। आवेदिका और उसके परिवार वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ और अनुदान दिलाने के नाम पर अभियुक्त संजय चौरसिया ने मेडिकल रोड स्थित इंडस बैंक में खाता खुलवाया था। जब आवेदिका ने मेडिकल रोड स्थित इंडस बैंक में अपने खाते की जानकारी प्राप्त की तो उसे पता चला कि उसके और उसके परिजनों के खाते से करोड़ों रुपये का लेन देन हो रहा है, जिसके बारे में आवेदिका को कुछ भी ज्ञात नहीं था। जब आवेदिका ने अभियुक्त संजय चौरसिया से बैंक खाते के बारे में पूछा तो उसने आवेदिका और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी और उन्हें डराकर घर से भगा दिया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त ने गिरफ्तारी के दौरान बताया कि वे भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर लालच देकर बैंक खाता खुलवा कर उसका इस्तेमाल अवैध रूप से संचालित ऑनलाइन सट्टा खोलने वाले अन्ना रेड्डी ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप में पैसे के लेन देन में करते हैं। अभियुक्त द्वारा कई सारे म्यूल बैंक खाते खुलवाकर अन्ना रेड्डी ऑनलाइन सट्टा गेमिंग पोर्टल के माध्यम से पैसे का लेन देन करते हैं। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से संचालित ऑनलाइन सट्टा के माध्यम से लाइव कैसीनो, पोकर गेम, लूडो, फुटबॉल गेम, ऑनलाइन तीन पत्ती, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल व अन्य स्पोर्ट्स का संचालन करते हैं, जिसमें लोगों के द्वारा ऑनलाइन सट्टा खोला जाता है। अभियुक्तों ने अन्ना रेड्डी ऑनलाइन सट्टा पोर्टल से पैनल खरीदा था, जिनका वो ऑनलाइन संचालन किया करते थे। ऐसे बैंक खाते जिनको खाता धारकों को बहला फुसला कर धोखाधड़ी से खुलवाया जाता है और उनकी जानकारी के बिना प्रतिरूपण कर उन खातों का इस्तेमाल जालसाजों द्वारा पैसों के लेन देन में किया जाता है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एसएसपी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का पुरस्कार दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी चितवन कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक शिवराज सिंह, उप निरीक्षक रवि प्रकाश यादव, उपेंद्र कुमार सिंह, स्वाट टीम प्रभारी मनीष यादव, उप निरीक्षक राज मंगल सिंह, हेड कांस्टेबल धनंजय कुमार, सुरेश यादव, राम इकबाल राव, करुणा तिवारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर ने कहा, देखिए एक मामला जनसुनवाई में यहाँ पर एक महिला द्वारा कंप्लेंट किया गया था कि उसका एक बैंक में खाता खुलवा करके जहाँ पर वो काम करती है वहाँ के मालिक द्वारा उस खाते के माध्यम से लाखों की ट्रांजैक्शंस पर डे के हिसाब से की जा रही हैं, जिस कारण से उसको इस चीज़ पे शक हुआ। इसकी सूचना जब उसके द्वारा जनसुनवाई में यहाँ पुलिस ऑफिस में दी गई तो उसके ऊपर CO कैंट के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई। टीम के माध्यम से जब ये जानकारी हुई कि ये खाता जो है वो बेसिकली ऑनलाइन बेटिंग साइट्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए यूज़ हो रहा है, इसमें और गहनता से जानकारी करने पर ये पता लगा कि एक ऑनलाइन बेटिंग साइट है जिसका जो लोकल यहाँ पर संचालन दो व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। वो दो व्यक्ति बैंक खाते खुलवाते हैं ऐसे लोगों के जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके खाते खुलवाते हैं, और फिर ऑनलाइन बेटिंग साइट के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो लोग उस पर खेलते हैं उनका पैसा उस अकाउंट के माध्यम से मंगवा करके फिर या तो उसका कैश विड्रॉल करते हैं या आगे जहां पर उसका हेड ऑफिस है अपनी जो उनका हेड ऑफिस है वहां पर भेजते हैं। इसमें ये भी सामने आया है कि जो लोग इस ऑनलाइन बेटिंग साइट्स पे अपने आप को रजिस्टर करके बेटिंग करते हैं तो इनिशियली तो उनको लालच देने के लिए कुछ पैसा जितवाया जाता है, लेकिन लेटर ऑन ऐसा एक एल्गोरिदम सेट किया जाता है कि वो उसके बाद अपना पैसा हारने लगते हैं और उसमें पैसा गवा देते हैं। तो इस संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके ऊपर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दो व्यक्तियों को इसमें अरेस्ट किया गया है जिनके द्वारा इस ऑफिस का संचालन किया गया जा रहा था और इस तरह के बैंक खाते खुलवाए जा रहे थे। इनके कब्जे से कई लैपटॉप्स रिकवर हुए हैं, 10 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, 11 लाख से ज़्यादा की नगद रकम इनसे बरामद हुई है। इस पूरे ऑफिस के या इस पूरे नेटवर्क के तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी जानकारी हुई है। पर डे के हिसाब से 10 लाख रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट से होता था,
और पिछले 6-8 महीने से ये चल रहा था। इसका खुलासा होने पर इन दो लोगों को अरेस्ट किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। बाकी इनके नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है और आगे चल के उसका भी खुलासा किया जाएगा। इस पूरी टीम को इस खुलासे के लिए मैं बधाई देता हूँ और 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित करता हूँ। ये जो दो लड़कों का गैंग पकड़ा गया है, इनके द्वारा इसी तरह के लोगों को टारगेट किया जाता था और उनके बैंक की सारी डिटेल्स अपने पास रख ली जाती थी ताकि, और उनको कुछ लालच भी दे दिया जाता था। तभी मेरे द्वारा सभी को अनुरोध किया जा रहा है कि अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स किसी से शेयर ना करें और बैंक खाता तभी खुलवाएं जबकि उनको आवश्यकता है, और अपनी मर्ज़ी से अपने चॉइस के बैंक में खुलवाएं और लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहें।